हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज की वीडियो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, क्लास 12th सेंट्रल आइडिया मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि है माय मदर एट 66 का। आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा इंग्लिश के सेटों में आपने क्या देखा कि माय मदर एट 66 बहुत बार आ चुका है। इससे पहले मैं कीपिंग क्वाइट भी डाल चुका हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही कम लाइनों का है और आपके 4 नंबर पक्के करा देगा। तो आइए शुरू करते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला है, देखो सेंट्रल आइडिया अब कैसे लिखना है। देखो माय मदर एट 66, तो देखो एक जो मतलब पोएटस है ना, पोएटस मतलब क्या होता है कि पोएट मतलब होता है कवि, और पोएटस मतलब जो फीमेल है ना, तो पोएटस के लिए कवित्री हो जाता है फीमेल, है ना। तो कमला दास इनका नाम है। तो ये जो कमला दास हैं, ये क्या कहती हैं कि मेरी मदर जो हैं वो 66 पे हैं, है ना। वो सोच रही हैं किसके बारे में, अपनी माँ के बारे में, कि उनकी जो माँ है उनकी एज हो चुकी है 66, यानी कि 66 साल की हो चुकी हैं। अब वही है ना, 66 साल के बाद में जो इंसान की वो होती है ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, वो धीरे धीरे करके लो हो जाती है, डिम हो जाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में उन्होंने, सुंदरता के बारे में, उनकी मतलब जवानी के बारे में उन्होंने कुछ एक बात की है, और उन्होंने कंपैरिजन किया है चंद्रमा के साथ में। तो आइए उसको हमें थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया में बस लिखना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन इंग्लिश पोएटस कमला दास। तो देखो जो पोयम है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय, ये रिटन बाय नहीं आएगा। आपको पता होगा जो गाने होते हैं, जो पोएम्स होती हैं, वो कंपोज की जाती है कंपोजर के द्वारा। तो ये कंपोजर्स हैं, है ना। तो कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन इंग्लिश पोएटिस कमला दास। द पोयम माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन, तो देखो ये किस पे बेस्ड है, द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज का मतलब क्या हो गया, एडवांस यानी कि ज़्यादा, यानी कि बढ़ती हुई एज पे, है ना। तो उसकी जो थीम है ना पोएम की, वो किस पे बेस्ड है, थीम का मतलब क्या हो गया, पूरा उसका मतलब कि पोएम किसके बारे में है। तो उसकी जो थीम है ना वो एडवांसिंग एज हो गई, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के बारे में। एंड पोएट ऑल्सो शोड, शोड का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना, है ना। पोएट ऑल्सो शोड हर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, अपनी चिंता, हर ग्रीफ फॉर फियर ऑफ लूज हर मदर। तो देखो ध्यान समझना इस बात को, है ना, इस लाइन को आप ध्यान से समझेंगे। क्या बोला कि द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, है ना, ये जो द पोयम माई मदर, मैं दोबारा से बता देता हूँ, द पोयम माई मदर एट 66, ये जो पोयम है हमारी जिसका नाम है माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है, द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, यानी कि बढ़ती हुई एज पे बेस्ड है। एंड पोएट ऑल्सो शुड, और पोएट ने क्या शो करा है, क्या मतलब दोस्त, वो दिखाना क्या चाह रही है, हर ग्रीफ अपनी चिंता, अपना दुख, फॉर फियर ऑफ किसके लिए, अपने दुख और चिंता किस चीज़ के लिए दिखाना चाह रही है, फियर ऑफ लूज हर मदर, अपनी मदर को खोने के डर से। यानी कि होता है ना भाई 66 एज होगी, उसके बाद क्या होता है, इंसान भाई स्वर्गवास हो सकता है इंसान का, तो उनको खोने के डर से वो उसके अपना जो ग्रीफ है ना, मतलब दुख है, उसको शो कर रही है वो, है ना, इस कविता के थ्रू। दिस इज़ एन इमोशनल पोयम, ये कैसी पोयम है, इमोशनल पोयम है। पोएटस कंपेयर्ड हर मदर, उन्होंने अपनी जो मदर है उसको किससे कंपेयर करा है, अपनी माँ है ना, उसको किससे कंपेयर करा है, टू लेट विंटर्स मून, जो रात में, बहुत ज़्यादा रात में, लेट है ना, देरी से जो चंद्रमा निकलता है, उससे उन्होंने अपनी माँ को कंपेयर करा है। मून इज काम एंड अनक्लियर, जो मून होता है वो काम शांत होता है और अनक्लियर, थोड़ा सा धुंधला होता है, विद डिम लस्टर। डिम लस्टर, डिम मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना लाइट डिम हो जाती है, मतलब हल्की हल्की, और लस्टर जो चमक होती है ना, वो चमक कम हो गई है। तो अनक्लियर विद डिम लस्टर, यानी कि अनक्लियर, बहुत ही साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, विद डिम लस्टर यानी कि हल्की हल्की चमक के साथ में। तो ये मून के बारे में, मून से उन्होंने कंपेरिजन कर दिया कि जो हमारा सर्दियों की रात में जो देरी से चंद्रमा निकलता है ना, तो उस वो काम है, बिल्कुल शांत है, और अनक्लियर विद डिम लस्टर यानी कि साफ नहीं है, विद डिम लस्टर। इट लूजेस इट्स पावर, वो अपनी पावर जो होती है वो लूज कर रहा है ना, अपनी पावर जो शक्ति है ना उनको लूज कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, चमक नहीं आ रही है। एंड ब्राइटनेस, अपनी ब्राइटनेस को भी लूज कर रहा है, वो छोड़ रहा है। शी ऑल्सो विशेज, वो और विश क्या कर रही है, फॉर लॉस्ट ब्यूटी, है ना, जो खोई हुई सुंदरता है ना, उसके लिए भी वो विश कर रही है कि उनकी माँ की सुंदरता वापस आ जाए। एंड
यूथ ऑफ हर मदर, यूथ ऑफ हर मदर मतलब उनकी माँ की जो जवानी थी ना, अब भाई 66 पे बुढ़ापा ही तो आ गया, तो उनकी जो माँ की जो जवानी थी उसके लिए वो क्या कर रही हैं, विश कर रही हैं कि मेरी माँ सही सलामत रहें और उनकी जवानी और ब्यूटी भी सही रहे। ठीक है, तो देखा आपने, ये था आपका माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, जो आपके चार नंबर पक्के करा देगा। तो देखा, 4-5 मिनट की वीडियो आपके चार नंबर बोर्ड में पक्के करा देगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये देखिए, ये रहा बस फाइनल, आप इसका ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, और आपका चार नंबर पक्के हो जाएंगे, सेंटर आईडी आपका पक्का हो जाएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट जाके देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, है ना, सब कुछ है चैनल पे, तो चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, गुड बाय गाइज़।